नमस्कार, झारखंड NMMSS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2020-21 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 3 तक के वीडियो में एक से लेकर प्रश्न संख्या एक से लेके 45 तक के प्रश्न को हल किया है। आज हम प्रश्न संख्या 40 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। वैसे तो ये प्रश्न राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के हैं, किंतु ये प्रश्न उन सभी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं जिनमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 46। जिस प्रकार पोमोलॉजी संबंधित है फलों से, उसी प्रकार बॉटनी किससे संबंधित है? तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पौधा। जिस प्रकार शिकागो संबंधित है अमेरिका से, उसी प्रकार सिडनी किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब है यदि क्वेश्चन नंबर 48। यदि बैट को 283 के रूप में कोट किया जाता है, कैट को 383 के रूप में कोट किया जाता है, एवं ARE को 801 के रूप में कोट किया जाता है, तो बेटर का कोड है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये बेटर है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ बी का कोड क्या है, 2 हो गया। चलिए यहाँ लिखते चलते हैं, इसके नीचे ये 2 हो गया। अब है ई, तो यहाँ पर ई क्या है, आर में लास्ट वाला है ई, तो यहाँ पर है 1। अब इसके बाद टी है, तो देखिए तो ये बैट में टी लास्ट में है, तो यहाँ 3 है, तो ये 2 बार 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ई है यानी 1, और आर देखिए यहाँ पर आर है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 0 है, तो ये 0 है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हुआ, देखिए ये पहला वाला ऑप्शन सही है। जिस प्रकार क्रेमलिन संबंधित है मॉस्को से, ठीक उसी प्रकार बकिंघम पैलेस संबंधित है लंदन से। सबमेरीन का आविष्कार किया था बुशवेल ने, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। अब ये क्वेश्चन नंबर 51 से 60 है। प्रश्न चिन्ह जो है उसमें जो लुप्त संख्या है उसे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, तो ये एक वृत्त सा दिया हुआ है और यहां पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं चारों ओर और बीच में एक है, तो यहां अंतिम वाला जो वृत्त है वहां बीच में क्या होगा ये बताना है। तो कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है, आइए देखते हैं। यहां पर तो इसे अगर हम जोड़ते हैं ये ऐसे 4 + 3 + 2 + 1, तो ये कितना होता है, 4 × 3 = 7 + 2 = 9 = 10। तो यहां पर देखिए बीच वाला 10 है, देखते हैं क्या दूसरे में भी यही रूल है। तो 5 + 4 + 3 + 2, तो ये कितना हो गया, 5 × 4 = 9 = 3 = 12 + 2 = 14। तो देखिए ये 14 है, अर्थात यही रूल चलेगा तीसरे वाले में, तो इसे भी जोड़ते हैं। तो 2 + 6 + 5 + 4, तो ये हो जाएगा 2 और 6 = 8, 5 = 13, 4 = 17। तो ये चौथा नंबर जो है हमारा ऑप्शन
ये सही है। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए ये वर्ग बना हुआ है और ये दूसरे वाले वर्ग में ये क्वेश्चन चिन्ह है, तो देखते हैं कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इसमें। यहां चार है तो चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, यानी चार का वर्ग। यहां तीन है, तीन का वर्ग 9, यहां दो का वर्ग 4, एक का वर्ग 1। अब तीसरा वाला में देखते हैं, ये दूसरे वाला को भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहां तो प्रश्न है, तो यहां भी देखते हैं क्या वैसा ही है। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही है, 6 का वर्ग करेंगे 36, 5 का वर्ग करेंगे 25, 4 का वर्ग करेंगे 16, 7 का वर्ग करेंगे 49। तो ठीक यही रूल ये बीच वाले में भी लागू होगा, तो 4 का वर्ग किए 16, 6 का किए तो 36 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 8 का वर्ग कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, 64 होगा। तो ये हमारा 8 का वर्ग यानी 8 गुना 8, तो ये हमारा आंसर हो गया तीसरा नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर 53, तो देखिए यहां दो है और इसके अपोजिट यहां पर 8 है, और तीन है इसके अपोजिट 27 है, फिर दूसरे वाले में 5 है 125, 4 है तो 64। तो अर्थात ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, ये तीन है, अगर तीन का हम क्यूब करें तो देखिए ये 27 आ जाता है। ठीक इसी तरह से दो का क्यूब करें यानी घन निकालें तो 8 आता है। ठीक यहां पर भी 4 का क्यूब करें यानी 4 × 4 × 4 तो देखिए 64 हो जाता है। 5 का क्यूब करें या घन करें तो 125 आता है, तो यही रूल फॉलो होगा। यहाँ 6 का अगर हम क्यूब करते हैं यानी घन निकालते हैं तो 216, तो 7 का घन करेंगे तो कितना होगा, तो 7 का घन इसका 2 7 × 7 × 7, आप गुना करेंगे ये आ जाएगा 343। ये इस तरह के सारे प्रश्नों में हम रूल को खोजते हैं, मेंटल एबिलिटी में यही होता है जो सीरीज टाइप का होता है इस तरह का, तो रूल खोजते हैं कि कौन से रूल को ये फॉलो कर रहा है, और जब रूल पकड़ में आ जाए तो बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिए 54 नंबर, 54 है ना, तो ये 54 में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहां पर देखिए 9 और 6 ये कितना होता है 15, और 12 3 15, तो ऐसे 9 जोड़ 6 घटाओ 12 जोड़ 3, अर्थात ये हो गया 15 घटाओ 15 बराबर 0, तो ये बीच वाला 0 आ गया। तो ये दूसरे वाले में देखते हैं क्या यही रूल है, तो ये हमने यहां ऊपर और नीचे जोड़ा था, यहां भी करते हैं 23 जोड़ 2, 23 जोड़ 2 घटाओ 16 जोड़ 7, तो ये हो गया ये 25 और ये 23 बराबर ये 2 हो गया। तो देख रहे हैं एक ही रूल दोनों में फॉलो हो रहा है, अर्थात तीसरे में भी यही रूल फॉलो होगा। तो ये 28 जोड़ 5 घटाओ 11 जोड़ 8, तो ये हो गया 28 जोड़ 5 हो गया हमारा 33 घटाओ 19 बराबर 14, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में देख रहे हैं, यहां 8 है, यहां 7 है और यहां 1 है, यहां 9 है, यहां 4 है, 125 है, तो यहां 10 और यहां 7 और यहां क्वेश्चन मार्क, देखते हैं कौन सा रूल फॉलो होता है। 8 से 7 अगर हम घटाते हैं तो 1 आता है, और 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 आता है, तो ये नीचे में हुआ। देखते हैं दूसरे वाले में, 9 से 4 घटाएंगे तो 5, और 5 का क्यूब करते हैं तो 125, तो यहां नीचे 125 है, अर्थात ये रूल हमको मिल गया। तो हम यहां भी वही करेंगे, 10 से 7 घटाएंगे तो 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, अर्थात ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है? तो यहां पर बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ये 6 है, ये 4 है, 2 है, इसको गुना कीजिए तो 4 गुना 6 गुना 2, तो ये कितना हो जा रहा है, 6 चौके 24 और 2, 6 चौके 24 गुना 2 48, तो बीच में 48 आ गया। ठीक यहां भी कीजिए वैसे ही, 4 गुना 5 गुना 3, तो 4 पच्चे 20 दियाई 60, तो यहां भी वही होगा, 5 गुने 6 गुने 4, तो 5 6 30, 30 चौके 120, ये 2 नंबर हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखें, तो यहां क्या हो रहा है, थोड़ा सा गौर से देखिए कौन सा रूल हो रहा है। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 3 और 6 9, 9 4 13 और 2 15, और 15 को अगर हम 4 से गुना करें तो 60 आता है ना। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, यहां भी वही करते हैं, 5 4 9 और 2 11 और 1 12, 12 को भी 4 से गुना करेंगे तो 48, तो ये रूल हमें मिल गया। क्या किया हमने, फिर से बताते हैं, 3 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 2, और इसको हमने गुना कर दिया 2 से, तो ये 3 6 9 4 13 2 15, सॉरी ये 2 से नहीं, ये 4 से गुना किया, तो ये 4 से गुना किया तो ये 60 आ गया। ठीक यही यहां भी हमने किया, तो यही रूल यहां भी होगा। तो आइए हम जोड़ते हैं, 3 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 4, और इसको गुना करेंगे कितने से, 4 से, तो 3 1 4 और 2 6 4 10 और 10 चौके 40, तो ये हमारा तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 58, तो यहां एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, और यहां कुछ संख्याएं हैं, और यहां लास्ट में यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो देखेंगे कि कौन सा रूल से ये इसमें जो अंक भरे हुए हैं, संख्याएं भरे हैं, कौन से रूल से भरे हुए हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं। तो देखिए यहां पर ये जो पहला कॉलम है उसको देखते हैं, और ये दूसरा कॉलम, तो पहला कॉलम में अगर ये 2 है तो 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें और 5 जोड़ दें तो ये 4 जोड़ 5 बराबर 9 आ गया, तो ये यहां पर एक रूल है। अब देखते हैं क्या दूसरा में भी ऐसा होता है, तो ये 6 का स्क्वायर कर दिए जोड़ 7 कर दिए तो ये 36 और जोड़ 7 देखिए ये 43 हो गया, हो गया ये रूल तो मिल गया। अगर 2 में एक कोई रूल फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब यही रूल तीसरे में भी फॉलो होगा, तो यहां 5 का स्क्वायर करेंगे और 7 जोड़ेंगे तो ये 25 और जोड़ 7 यानी 32, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम सभी में ये देख रहे हैं कि 2 को हम देखते हैं, 2 का रूल अगर वही है तो तीसरा में भी वही लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बड़ा आसान सा लग रहा है, ये 4 है, ये 5 है, 81 है, क्या समझे इससे, 4 जोड़ 5 9 और 9 का वर्ग 81, देखिए क्या यहां होता है, 3 जोड़ 7 4 7 हो गया और 7 का वर्ग 49, तो तीसरे में भी यही होगा, 5 जोड़ 7 कितना हो गया 12 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब अंतिम प्रश्न 60 नंबर, तो यहां देखिए ये एक कॉलम में 2 4 7 है, दूसरे में 3 5 8 है, और तीसरे में 13 41 और ये क्वेश्चन मार्क, तो यहां देख रहे हैं कि ये रूल क्या, कौन सा रूल इन दोनों में फॉलो कर रहा है, ये दोनों रो में।
तो ये दो का स्क्वायर जोड़ तीन का स्क्वायर तो ये करेंगे तो ये क्या होगा, 4 जोड़ 9 बराबर 13। अब देखते हैं दूसरे में ऐसा होता है कि नहीं, 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग यानी 16 जोड़ 25। तो ये देखिए 41 आता है, देखिए रूल फॉलो हो रहा है, तो ये तीसरे रो में भी फॉलो करेगा। 7 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग बराबर 7 सते 49 और 8 8 64। तो इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1 और 4 6 10 और 1 11 113, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। आशा है कि जिस तरह से मैंने इन प्रश्नों को आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।